नाउ दे जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं, बेसिकली उन्होंने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को पुरानास के अकॉर्डिंग दे कॉम्प्राइज ऑफ 7 द्वीपास और लैंड मासेस। जो द्वीप थे दैट सिग्निफाइड एन आइलैंड या पेनिनसुला या दुआब, यानी दुआब मीन लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, बेसिकली इसी के लिए था। तो जो लैंड बिटवीन द टू रिवर्स या वेदास या एपिक्स या पुराणास में, ये बेसिकली इट मेंट ओनली अ डिविजन ऑफ लैंड, चाहे बिग या स्मॉल, ठीक है। और ऑल इन ऑल दे हैव डिवाइडेड द होल कॉन्टिनेंट या सारे कॉन्टिनेंट्स को 7 द्वीपास में डिवाइड कर दिया। और सबसे खासियत इन 7 पुरानिक द्वीपास में ये थी कि दे हैड देयर नेम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन, बर्ड या एनिमल। जैसे आप देख सकते हैं, शलमाली द्वीप, पुलक्षा द्वीप, क्राउंच द्वीप, कुशाद्वीप, जम्बू द्वीप, शक द्वीप एंड पुष्कर द्वीप। एक्चुअली जो जम्बू द्वीप था दैट इज जम्बू या जामुन के नाम पे था नेचुरल वेजिटेशन। कुशाद्वीप पोआ ग्रास, जो कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन थी कुशाद्वीप के, उसके ऊपर था। क्राउंच द्वीप क्रानुचा द्वीप, क्रानुच बर्ड के नाम पे था। शलमाली द्वीप शलमाली ट्री, एक सिल्क कॉटन ट्री था उसके नाम पे था। और जो पुष्करा द्वीप था, पुष्कर यानी लेक ऑफ लोटस उसके नाम पे थे। तो एक्चुअल में जम्बू द्वीप की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज इट इज लार्जेस्ट द्वीप और एक सेंटर में भी है सारे मिडिल वर्ल्ड, जो मिडिल ऑफ पार्ट ऑफ द नोन वर्ल्ड है उसमें मिड में पाया भी जाता है। तो आपको मैंने ये बताया कि जो ये द्वीप्स हैं, ये बेसिकली यहाँ आप देखेंगे एक मिल्की ओशन या सॉल्ट ओशन, मिल्की ओशन इन द नॉर्थ या सॉल्ट ओशन इन द साउथ, उसके द्वारा सराउंडेड हैं। एंड राउंड दिस ओशन अगेन इज लैंड अगेन, एंड दैट फॉर्म्स द 7 द्वीप। और ये जो जम्बू द्वीप है, ये बेसिकली डिफरेंट सब रीजन्स में भी डिवाइडेड था, वर्षाज, वर्षाज मीनिंग डिविजन्स। और आप इसके डिविजन्स देख सकते हैं, इसमें हरिवर्षा हो गया, हर और हरता वर्षा, केतुलमल वर्षा, आपको मैं दिखाती हूँ हरिता वर्षा, देखिए ये श्रीवंगम और ये सारे, ये जितने पार्ट्स हैं दैट इज द पार्ट। अब ये मेरू क्या है, मेरू आगे बढ़ते हैं, माउंटेन सिस्टम जो है महामेरु, विष्णु पुराना, जम्बू द्वीप इज सेंटर ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स और इन द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज गोल्डन माउंटेन मेरू, विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया। और जो मेरू बेसिकली सिग्निफाइज अ लार्ज प्लेटो ऑफ इमेंस हाइट, इनके द्वारा ऐसा मीनिंग था। और एंशियंट नेम जो हिमालयस का था वो हिमवर्त, हिमवत चेन ऑफ माउंटेन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड बाउंडेड बाय भारत वर्षा, बाउंड्स द भारत वर्षा टू द साउथ। और जो 5 एलिवेटेड रीजन्स थी, जिसे कराकोरम, धौलागिरी, पामीर लॉट, तिब्बतियन प्लेटो एंड हिमालय, आज का जो है उन्होंने मोर और लेस सिमिलरली उसको एक्सप्लेन भी किया था। नाउ वी कम टू द रिवर सिस्टम। रिवर्स जो है ओरिजिनेट्स इज लेक्स, रिवर्स विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटीज आर नेम्ड वन ओनली। ये नहीं कि हर ट्रिब्यूटरी की अलग अलग नाम हो, फिर रिवर की अपनी अलग ना हो, दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर इन पोस्ट वैदिक लिटरेचर वॉज इन उपनिषद, पुराण, रामायण एंड महाभारत। एंशियंट नेम ऑफ रिवर्स मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ही इसके बारे में एक टेबल भी दे दी है, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम देयर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। हैबिटेट ऑफ हारियंस जो है इज नेम्ड इन सप्त संधावा, लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं जहाँ आर्यंस रहते थे, तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इट इंक्लूड्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बेसिकली। और जो और भी डिस्क्रिप्शन पाए गए रिवर्स की, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में इंडस, सतलज, रवि, चिनाब, इन सब का डिस्क्रिप्शन था। साउदर्न में साउथ रिवर्स का भी डिस्क्रिप्शन था, जैसे कि महानदी, स्वर्णरेखा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अकॉर्डिंग टू वेदास और पुराणस, 4 मेजर रिवर्स थी जिनकी 4 ब्रांचेस एक ओरिजिनल रिवर से निकल रही होती हैं, जिसका नाम था स्वर्ण गंगा या मंदाकिनी। वो ऐसा माना जाता था, इट हैड अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस, कि अंडर द फुट ऑफ द लॉर्ड विष्णु एट द पोल स्टार, इट पासिस थ्रू द सर्कल ऑफ द मून अपॉन द सन।